अस्सलाम वालेकुम बच्चों आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन पर और अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन के तीन लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं जो लेटेस्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टडी किया था लेक्चर नंबर थ्री दैट वाज मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी आई होप कि आप लोगों ने ये सारा लेक्चर जो है वो देख लिया है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है और हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर फोर पर और आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी तो ये जो टॉपिक है बच्चों ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे इस आ, मतलब सिलेबस में नहीं है रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन हम करेंगे और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की कुछ बेसिक्स जो है वो स्टडी करेंगे कुछ हिस्ट्री और रेडियो रेडियोएक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक्चुअल क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो हम लोग बच्चों स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं कुछ इसके बारे में बातें करते हैं स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है बच्चों तो आप लोग इस लेक्चर को जो है वो ले सुनते वक़्त आप लोग अपने पास टेक्स्ट बुक्स या कोई हेल्पिंग बुक या अपने पास कुछ ऐसे पेजेस जिसपे आप लोग इस लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें वो अपने पास जरूर रखें ठीक है वे तो आज का लेक्चर हमारा इतना लेंथी भी नहीं होगा ऑलमोस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स कोशिश करते हैं इसको कवर करते हैं और जो बेसिक इसका सारा कॉन्सेप्ट है रेडियो एक्टिविटी का इस टाइम के अंदर उसको अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है वे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर और हमारे लेक्चर में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं इसके बारे में मैं लिखता हूँ फिर इस पर हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम डिफाइन करें रेडियो एक्टिविटी को और आ, मतलब लिखना चाहें कि रेडियो एक्टिविटी क्या है तो इसको जो हम यूँ लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी इज़ A natural process is a natural process in which is a natural process in which an unstable in which an unstable nuclei radiates uh, radiations. रेडियेश ऑफ पॉसिबल डिफरेंट ऑफ पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स राइट तो ये जो कुछ अल्फ़ हैं जिसको हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि अगर हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो रेडियो एक्टिविटी जो है फर्स्ट ऑफ आल जो ये याद रखें कि रेडियो एक्टिविटी जो है Uh, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस में एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई uh, जो है वो रेडिएशंस को इमिट करता है रेडिएट करता है या इमिट करता है और वो जो रेडिएशंस इमिट करता है उन रेडिएशंस की पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स हैं वो कोई एक किस्म की रेडिएशंस नहीं होती uh, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो होती हैं वो भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी राइट एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो रेडिएशंस को इमिट करेगा और वो रेडिएशंस डिफ़रेंट टाइप्स की होंगी और ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी न्यूक्लियाई खुद से जो है रेडिएशंस को इमिट कर देगा या रेडिएशंस को इमिट करेगा नेचुरली और वो न्यूक्लियस कौन सा होगा वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा और वो जो रेडिएशन इमिट करेगा उनके अभी हम नाम रखेंगे लेक्चर के एंड पे तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी राइट जो न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स इमिट करता है या वो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो ये रेडिएशन्स इमिट करेगा उसको जो हम कहेंगे रेडियो एक्टिव उस न्यूक्लियाई को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई राइट और जिस एलिमेंट का वो न्यूक्लियाई होगा उस एलिमेंट को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट राइट फॉर एग्जाम्पल अगर यूरेनियम है अब जो यूरानियम एक अनस्टेबल न्यूक्लिया है यूरेनियम एक एलिमेंट है और उसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा और हम कहेंगे उसके न्यूक्लियस को कहेंगे कि दैट इज़ रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया और यूरेनियम को हम लोग रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहेंगे ठीक है और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे और मतलब ये सारा रेडियो एक्टिव प्रोसेस में ही उसी प्रोसेस में आ जाएगा ये डिफरेंट नाम है उसी प्रोसेस में ठीक है इस तरह जो हम जानते हैं कि जो प्लोनियम है राइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या कह लें अनस्टेबल एलिमेंट्स में पोलोनियम एक एग्ज़ाम्पल है तो पोलोनियम जो है उसका न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल है तो हम कहेंगे पोलोनियम जो है दैट इज़ आ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और पोलोनियम का जो न्यूक्लियाई है दैट इज़ रेडियो एक्टिव न्यूक् और उसमें से रेडिएशन इमिट होंगी अल्फा बीटा या गैमा तो चूँकि वो रेडिएशन इमिट करेगा तो उसको हम कहेंगे रेडियो इस प्रोसेस को कहेंगे रेडियो एक्टिविटी राइट इस तरह रेडियम uh, हो सकता है और इस तरह से कोई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है बिस्मत हो सकता है राइट इस तरह डिफरेंट न्यूक्लियाई हो सकते हैं जो अनस्टेबल हैं अच्छा बचो अब थोड़ा सा हम स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो इसको बचो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास शुरू में जो न्यूक्लियाई हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं तकरीबन वन से ले कर ट्वेंटी तक राइट पहला जो है वो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और 20 तक अगर हम जाएँ तो 20th एलिमेंट है जिसका टॉमिक नंबर 20 है दैट इज़ कैल्शियम अगर आप वन से लेके 20 तक एलिमेंट्स देखें तो इन एलिमेंट्स में एग्जैक्टली exactly आप देखेंगे कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनके न्यूक्लियाई के और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली सेम है यानी एक जैसे हैं उनके नंबर सेम हैं तो अगर हम इन इन न्यूक्लियाई में इन एलिमेंट्स के न्यूक्सिस में देखें तो इनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशो है दैट इज़ ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी के बाद अगर हम आगे चलते जाएँ और एटी तक जाएँ तो ये जो रेशो है वो ऑलमोस्ट वन के करीब रहती है वन नहीं रहती वन से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है लेकिन नियरेस्ट टू वन ही रहती है ठीक है तो जो याद रखें कि पूरा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है या आज तक हमने जितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं उन तमाम एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स हैं राइट उसको अगर हम शामिल करें तो हमारे पास तकरीबन हंड्रेड से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और तकरीबन हमारे पास वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के करीब जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में तो इन सारे न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है उनकी रेशो डिफरेंट है राइट इसमें काफ़ी सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम है जैसा मैंने बिका वन से लेके ट्वेंटी तक एक्जैक्टली exactly सेम है ट्वेंटी से लेके एटी एटी टू तक जो है उनकी रेशो तकरीबन जो है वो एक तकरीबन एक जितनी है और 82 से ज़्यादा एटी से ऑनवर्ड जो है अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है ये ख़ासा बढ़ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो इसमें जो हम दो तरह के न्यूक्लियाई बना लेते हैं एक है इनमें स्टेबल न्यूक्लियाई राइट पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वन जैसे मैंने कहामोस्ट टू थाउजेंड जो न्यूक्लियाई हैं इन सब 2000 थाउजेंड न्यूक्लियाई में बहुत सारे ऐसे हैं न्यूक्लियाई जो स्टेबल हैं और बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं राइट और एक बात आप लोग याद रखें कि जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस थाथा थाथा है ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रिलेटेड है इसमें स्टेबल जो न्यूक्लियाई होंगे उन न्यूक्लियाई से रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स जो हैं या रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है अभी मैंने डिफाइन किया उसको ये प्रोसेस स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ नहीं होगा राइट तो ये प्रोसेस होगा अनस्टेबल न्यूक्लियाई के साथ अब स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ अ स्टेबल न्यूक्लिया एंड विच वन इज़ अनस्टेबल न्यूक्लिया तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टूल है या हमारे पास एक छोटा सा मैथड है जिससे हम किसी न्यूक्लियाई के स्टेबल या अनस्टेबल होने को चेक कर लेते हैं और वो जो जो मैथड है उसमें एक्चुअली हम लोग रेशो देखते हैं राइट रेशो ऑफ रेशो ऑफ प्रोटॉन्स या रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स राइट रेशो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट में हम उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की रेशो देखते हैं तो अगर ये रेशो जो है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की ये रेशो वन हो या ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वन हो नीर स्टूान हो तो हम कहते हैं कि ऐसे तमाम न्यूक्लियाई जो हैं ये स्टेबल हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं और इनमें से किसी किस्म की रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट नहीं होंगी और बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी का जो कोई भी प्रोसेस है वो इन स्टेबल न्यूक्लियाई के साथ नहीं होगा राइट ये एक टूल है छोटा सा कि हम कह सकते हैं कि जो स्टेबल न्यूक्लियाँ हैं उनमें इस तरह से होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि स्टेबल न्यूक्लियाई की कोई एग्जाम्पल है तो देखिए देखें जो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ स्टेबल न्यूक्लियाई की तो आप लोग देखें जैसे एक एग्जांपल है जो हीलियम अगर मैं एक एग्जांपल दूँ हीलियम में बचो अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं दो न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इसमें जो टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स की रेशियो जो है वो किसके इक्वल आएगी वन के इक्वल आएगी इस तरह बच्चो हमारे पास हीलियम के बाद लिथियम है राइट अगर मैं लिथियम की बात करूं इससे अगला एलिमेंट जो है जिसका टॉमिक नंबर थ्री और मैथ नंबर सिक्स है तो इसमें जो है अगर हम बच्चों देखें लीथियम में हमारे पास तीन प्रोटॉन्स हैं और तीन ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं राइट ये जो मैंने सिक्स लिखा है ये एक्चुअली इसका मैस नंबर है तो मैस नंबर में से अगर आप इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करें तो आपके पास उसका जो है वो मैथ नंबर न्यूट्रॉन नंबर आ जाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं तो लिथियम में जो तीन प्रोटॉन हैं तीन न्यूट्रॉन हैं अगर तीन न्यूट्रॉन को तीन प्रोटॉन पे पर डिवाइड करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा वन आएगा तो इट मींस के लिथियम जो है ये भी एक स्टेबल न्यूक्लिया है इस तरह जो ब्रिलियम है बोर है राइट अगर बोर की ए, मैं बात करूँ बोर की तो इसका जो अटोमिक नंबर है वो फाइव है बोर का बी और अटो मैस नंबर इसका टेन है तो इसमें जो कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं फ़ाइव हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी फ़ाइव हैं तो अगर जो इसकी हम रेशो लें न्यूट्रॉन्स की नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आर फाइव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाइव तो रेशो इसकी क्या होगी वन तो हम कह सकते हैं जो बोन है दैट इज़ अ स्टेबल न्यूक्लियर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल इस तरह अगर आप देखते जाए बच्चों बोरोन के बाद कार्बन है कार्बन के बाद नाइट्रोजन है कार्बन में जो है ये मतलब कार्बन कार्बन में अगर हम देखें तो सिक्स और ट्वेल्व इसका बन जाता है तो सिक्स एटॉमिक नंबर ट्वेल्व इसमें जो रेशो जो है वो सिक्स न्यूट्रॉन बाय सिक्स प्रोटॉन ये भी वन हो जाएगी कार्बन से जो आगे जाते हैं तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन है उसमें सेवन प्रोटॉन सेवन न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में जाते हैं तो एट प्रोटॉन एट न्यूट्रॉन फ्लोरिन में जाते हैं नाइन प्रोटॉन नाइन न्यूट्रॉन इस तरह वह जो आगे सोडियम है मैग्नीशियम है एलुमीनियम है एलुमीयम में जाएँ तो थर्टीन प्रोटॉन थर्टीन न्यूट्रॉन इस तरफ जो सिलीकॉन में जाएँ तो सिलीकॉन में फ़ोटीन प्रोटॉन्स और फोटीन न्यूट्रॉन्स हैं इस तरह सिलिकॉन तो से आगे जाएंगे तो फॉस्फोरस है जिसमें फ़िफ्टीन प्रोटॉन फिफ्टीन न्यूट्रॉन सल्फर क्लोरीन और इस तरफ जो चलते हुए लास्ट पर अगर हम जाते हैं ट्वेंटियथ एलिमेंट पे जाते हैं विच इज़ कैल्शियम तो उसमें ट्वेंटी एंड फोर्टी उसके अंदर ट्वेंटी न्यूट्रॉन्स हैं ट्वेंटी प्रोटोन्स हैं तो उसकी रेशो वन होगी तो पीरियोडिक टेबल के जो जो फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट्स हैं उनमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रेशो है दैट इज एग्जैक्टली वन तो हम ये कहेंगे ये सारे न्यूक्लिया जो हैं ये सारे न्यूक्लियाई जो हैं दैट आर स्टेबल न्यूक्लियाई इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो सेम है तो ये स्टेबल न्यूक्लिया हैं और इनमें से किसी किस्म की रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमेंट नहीं होंगी ये जो आपने बात याद रखनी है अब चलते जाएं 20 से 21, 30 अप टू एटी टू एटी टू जो है दैट इज़ लेड और एटी थ्री जो है दैट इज़ बिस्मथ अगर मैं एटी थ्री पे चला जाऊँ तो एटी थ्री पे जो हमारे पास जो है ये बिस्मथ आ जाता है इसका एटॉमिक नंबर 83 है और मैथ नंबर इसका 283 है अब जो ये जो बस्मत है जिसका एटॉमिक नंबर 83 हो जाता है अगर इसमें हम देखें कि इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो क्या है तो इसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट आर 83 थ्री इसमें जो प्रोटॉन्स हैं इसके दैट आर एटी थ्री और इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं दैट आर टू एटी थ्री माइनस एटी थ्री विच इज़ टू हंड्रेड अब अगर हम इसकी रेशो देखें न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की तो ये टू हंड्रेड से एटी थ्री को अगर आप डिवाइड करें तो वी गेट समथिंग टू पॉइंट समथिंग इसमें जो है वो आंसर आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू विच इज़ नॉट इक्वल्स टू वन इसका मतलब है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है जो डिफरेंस है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का वो डिफरेंस बढ़ रहा है यानी हम ये कह सकते हैं जो कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशो है वो अब एक वन के इक्वल नहीं आ रही बल्कि वो चेंज हो रही अब जो जैसे जैसे वन के इक्वल ये रेशो नहीं आ रही इसका मतलब है कि वो जो न्यूक्लियाई है एलिमेंट्स का वो अनस्टेबल हो रहा है ठीक है तो हम ये कहते हैं कि 82 से ऑनवर्ड जैसे बिस्मित की मैंने एग्जांपल दी है 83 की ये भी अनस्टेबल है तो बिस्मित जो है ये अनस्टेबल <coughs> अनस्टेबल न्यूक्लियाई है बस्मित के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है बिचो वो पुलोनीम है जिसका एटॉमिक नंबर 84 है ठीक है पलोनीयम जो है पीओ ओ आ, इसका एटॉमिक नंबर 84 और 209 इसको अगर डिवाइड करें यह भी ग्रेटर देन वन आएगा प्लोनीम के बाद जो रेडियम है आ, रेडियम आता है वो भी जो है उसमें भी रेशियो जो है वो ग्रेटर देन वन होगी तो 82 टू ऑनवर्ड जो है अगर हम देखें बस्मत प्लूनियम रेडियम थोरियम इस तरह आगे चलते जाएँ यूरेनियम तो ये सारे वो न्यूक्लियाए हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो अब इक्वल टू वन नहीं आएगी तो दैट आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाए ठीक है थीके? तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये प्रोसेस जो होगा ये उन तमाम न्यूक्लियाई के साथ होगा जो अनस्टेबल है जैसे मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में लिखा था कि रेडियो एक्टिविटी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएट्स रेडिएशन ऑफ पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स तो ये अनस्टेबल का वर्ड है दैट मीन्स कि अप टू एटी वन जो है हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट वन है तो दे आर स्टेबल न्यूक्लिया और 82 से ऑनवर्ड बिसमत से कंटिन्यू करें तो दैट आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रेशियो है वो काफ़ी हाई हो जाती है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं ठीक है बच्चों तो ये बात आपने याद रखना है कि ये एक टूल है जो अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियाई को डिफाइन करने के लिए हमने स्टडी किया तो रेडियो एक्टिविटी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएट्स रेडिएशन ऑफ पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ठीक है बीचो इतनी बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड की अब उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अनस्टेबल का इस हवाले से भी देखते हैं कि फ़र्स्ट कहें हमारे पास एक न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोटोन्स हैं बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मौजूदगी है न्यूक्लियस के अंदर उसमें आप लोगों ने इस्टेबलिटी को इस तरह भी देखें कि जो प्रोटॉन्स होते हैं Uh, किसी भी दो प्रोटॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है लेट्स से एक प्रोटॉन यहाँ है एक प्रोटॉन यहाँ है एक दूसरे के करीब हैं तो इन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होती है जो हम कूलम्स लॉ से फाइंड करते हैं लेकिन बच्चों न्यूक्लियस uh, के अंदर एक और फोर्स जो है वो मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स राइट ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होती है एक ख़ास लिमिट तक होती है ये आप याद रखिएगा कि अगर दो प्रोटॉन एक ख़ास लिमिट तक एक दूसरे के करीब हैं तो उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी जो उनको आपस में बाइंड करेगी और ये फ़ोर्स उनकी फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होगी वैसे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरम्या फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स एक ख़ास लिमिट तक अगर प्रोटॉन्स एक दूसरे के करीब हों तो वो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड करके रखेगी उनको ग्लू करके रखेगी इस तरह जो जो स्ट्रॉग न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में भी होती है ठीक है जबकि रिपल्शन फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान होती है तो स्ट्रॉग न्यूक्लियर फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये दोनों फोर्सेस किसी भी न्यूक्लियस के अंदर हर वक्त मौजूद रहती हैं ठीक है थीके? तो आप ये याद रखें कि जिस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो रेशो है वो वन से ज़्यादा होती जाती है हम ये कहते हैं कि वहाँ पर जो रिपल्शन है प्रोटॉन proton, प्रोटॉन्स की वो स्ट्रॉग न्यूक्लियर फ़ोर्स से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो उसको रिपेल कर देते हैं और इस तरह से जो न्यूक्लियाई है वो डिके करता है या यू कह लें कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो निकल जाते हैं तो उन पार्टिकल्स के निकलने को अभी हम देखेंगे कि दैट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल्स तो इस न्यूक्लियस में जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी होगा जो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कुछ सम ऑफ सम्ट्रॉग न्यूक्लियर फोर्स भी होगा अगर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेट ग्रेटर रहती है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स से तो उस केस में ये न्यूक्लियस एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद रहता है अपनी स्टेबल रहता है और अगर ये फ़ोर्स कम हो जाए और इलेक्ट्रिक रिपल्शन फ़ोर्स ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और फिर इसमें से पार्टिकल्स इमेट होते हैं ठीक है अब अगर कोई भी बेचो याद रखें कोई भी न्यूक्लियाई जो है जो अनस्टेबल है उसकी यही ख्वाहिश है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ़ जाएगा कि वो स्टेबल होना चाहेगा और स्टेबल होने के लिए वो न्यूक्लियाई जो है वो समटाइम्स अपने प्रोटॉन्स को इमिट करेगा समटाइम न्यूट्रॉन्स को इमिट करेगा और समटाइम न्यूट्रॉन टूटेगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें ये जो न्यूक्लियस है वो अपने जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको निकालेगा और उन प्रोटॉन्स उन न्यूट्रॉन्स को या उतने प्रोटॉन्स और उतने न्यूट्रॉन्स को निकालेगा जिसके निकलने के बाद वो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल फील करता है कि वो स्टेबल बना लेता है अपने आप को तो इस तरह से वो उनको इमिट करेगा तो ये जो इस न्यूक्लियस में से अमिशन हमने लिखा है कि द अनस्टेबल न्यूक्लियर रेडिएट्स रेडिएशन तो वो जो रेडिएशन इमिट करेगा तो हम देखेंगे वो रेडिएशन एक्चुअली अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स भी होते हैं और एक रेडिएशन भी होती है तो वो रेडिएशन जो इसमें से निकलेंगी वो एक्चुअली इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एमिशन होगा न्यूक्लियस में से और उस एमिशन के बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के निकलने के बाद ये न्यूक्लियस मूव करेगा अन स्टेबल पोजिशन से स्टेट से अपनी स्टेबल स्टेट की तरफ कि ये चाहेगा कि इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो रेशो है वो किसी तरह वन हो जाए जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को डिवाइड करके वन आ जाए तो फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा राइट तो इस वजह से भी कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो जो है वो रेडिएशंस uh, को इमिट करता है ठीक है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट ये भी एक आइडिया आप इस तरह से याद रख सकते हैं ठीक तो रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएट्स रेडिएशंस ऑफ पॉसिबल डिफरेंट टाइप्स ठीक है बच्चों ये कुछ बात होगी इसके हवाले से अब जो अगर इसकी डिस्कवरी के हवाले से हम बात करें तो जो ए, डिस्कवरी के हवाले से बात करें कि किसने जो है सबसे पहले इसको स्टडी किया तो इसको सबसे पहले स्टडी करने वाला था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ठीक है और आपने याद रखना है ए, ही वॉज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट और उसका नाम था हेनरी बैकरोल ठीक है जी उसका नाम हैंनरी हैंनरी बैकरल और इसने 1896 में सबसे पहले इसको स्टडी किया और उसने जिस एलिमेंट पे इसको स्टडी किया कहते यही कि एक्सीडेंटली उसने स्टडी किया लेकिन ऐसी बात नहीं है मतलब काम किया उसने हैंरी बैकरल ने यूरेनियम के ऊपर और उसने देखा कि यूरेनियम जो है उसमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं ये उसने ऑब्जर्व किया उसने यूरेनियम जो है उसको एक ब्लैक पेपर में रैप किया और फिर उसके पास एक फ़ोटोग्राफिक शीट रखी और यूरेनियम के पास ये जो फोटोग्राफिक प्लेट उसने रखी थी इस फोटोग्राफिक प्लेट जो है जब उसने देखा कुछ टाइम के बाद रखने के बाद कि इसका इससे कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं था यूरेनियम के साथ इस फ़ोटोग्राफिक प्लेट का लेकिन इसके बावजूद जो फ़ोटोग्राफिक प्लेट थी ये थोड़ा सा डिम हो गई और इस फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेट अफेक्ट हुई इसका कलर जो है चेंज हुआ और इसकी क्रीप पड़े होने की वजह से तो जब इस फोटोग्राफिक प्लेट का कलर चेंज हुआ तो ये जो एक हिंट था हैंनरी बैकरल के लिए कि यूरेनियम जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेडिएशंस जो है कुछ पार्टिकल्स या कुछ ऐसी रेडिएशंस इमेट कर रहा है जिसकी वजह से इस फोटोग्राफिक प्लेट जो है इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है तो दैट वाज अ हिंट तो ये का बात जो है 1896 तो यहाँ से हैंनरी बेकर को ये बात पता चली कि यूरेनियम जो है दैट इमिट सम काइंड ऑफ रेडिएशंस अगर वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसका कलर चेंज ना होता तो डेफिनेटली जो है कुछ और बात होती लेकिन बहरहाल इस प्लेट का जो कलर चेंज होना है इसका अफेक्ट होना है इस यूरेनियम की मौजूदगी में ये इंडिकेट करता है कि यूरेनियम जो है वो कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहा है उसके बाद जो मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी जो है इन्होंने जो है स्टडी किया इसको तो मैरी क्यूरी और दूसरा जो है उसके हस्बैंड हैं और उनका नाम पी जो है वो पैरी क्यूरी राइट सो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इन्होंने जो दोनों ने काम किया और इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया पोलोनियम चूँकि पोलैंड से थे तो पोलैंड की वजह से जो एलिमेंट डिस्कवर किया उन्होंने उसका नाम था पलोनीयम एटी फोर टू ज़ीरो नाइन ठीक है ये प्लोनीम जो है एटी फोर टू ज़ीरो नाइन ये एलिमेंट डिस्कवर किया और बाद में फिर इन्होंने रेडियम एलिमेंट भी डिस्कवर किया विच इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटोमिक नंबर एटी एट तो ये जो इसकी कुछ हिस्ट्री है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है उस पर इन लोगों ने कुछ काम किया और मेरी क्यूरी और क्यूरी को uh, इस पर जो है ये नोबल प्राइज़ भी मिला और हैंनरी बैकरल जो है इसके नाम पर बैकरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स भी हैं ये हम इस चैप्टर के लास्ट पर पढ़ेंगे बैकरल जो है दैट इज़ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी और यूनिट ऑफ डिस इंटीग्रेशन ये हम आगे जाके इसको किसी लेक्चर में स्टडी करेंगे ठीक है अब जो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि uh, इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है उसमें से जो रेडिएशन्स इमिट होती हैं वो कितनी किस्म की हैं और वो किस तरह से हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो इस तरह है कि एक यूरेनियम जो है उसको लिया गया पीस ऑफ यूरेनियम और उसको जो एक लेड बॉक्स के अंदर जो है वो रखा गया ये एक लेड बॉक्स है राइट लेड से दिस इज़ अ लेड बॉक्स ये लेड से बना है लेड uh, का मतलब है कि एक्टिव रेडिएशन इसमें से मैं नहीं हो सकती इसमें से नहीं निकल सकती और uh, इसमें ये जो यहाँ पे जो जगह है यहाँ से एक्टिव रेडिएशन्स निकल सकती हैं और इसके बाहर जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया गया ये दो प्लेट्स हैं और एक प्लेट को पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से और यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो रखी गई जिस पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन्स फॉल करेंगी और हम उन रेडिएशन्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो हैं उनकी नेचर को डिटेक्ट किया जा सकता है तो वो जो यहाँ से जब इस यूरेनियम में से रेडिएशन निकली और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से उन रेडिएशन्स को गुजारा तो हमने देखा कि ये रेडिएशन जो है ये इस फोटोग्राफिक प्लेट के एक पॉइंट के ऊपर जाके फोकस नहीं हुई बल्कि ये रेडिएशन्स इस फोटोग्राफिक प्लेट के तीन डिफरेंट जगहों पर जाके फॉल uh, की और इन्होंने तीन डिफरेंट जगहों को अफेक्ट किया इस फोटोग्राफिक प्लेट के ठीक है तो दैट इज़ फोटोग्राफिक प्लेट और जो रेडिएशन इमिट हुई उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट तो तीन जगहों पे वन टू थ्री तीन डिफरेंट जगहों पे ये रेडिएशन डिटेक्ट हुई अब जो इन रेडिएशन की नेचर के बारे में कि ये किस किस्म की रेडिएशन हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ठीक है जैसा कि अगर हम देखें कि वो रेडिएशन्स जो डिफ़्लेक्ट हुई नेगेटिव प्लेट की तरफ डेफिनेटली ये जो रेडिएशन हैं ये पॉजिटिव चार्ज हैं क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड होना ये बात इंडिकेट करता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यस इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और जब हमने ये इन्वेस्टिगेट uh, किया इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया तो हमें पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली रेडिएशन्स भी नहीं हैं राइट ये जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई हैं ये रेडिएशन uh, नहीं हैं बल्कि ये पार्टिकल्स हैं और इसमें भी जो एक पार्टिकल है नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुआ ये एक पार्टिकल एक्चुअली दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है राइट और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर ये एक पार्टिकल बनता है तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो हैं ये एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं वो इमिट हो रहे हैं इस यूरेनियम में से इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से और हमने जो इस पार्टिकल का नाम रखा अल्फा पार्टिकल राइट तो दिस पार्टिकल इज़ नोन एज़ अल्फा पार्टिकल और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ के ये दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स पे मुशतमिल है एक अल्फ़ा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लिया भी उसको कह सकते हैं एच ई फोटो लिख सकते हैं दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल है एक अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर प्लस टू ई चार्ज है राइट टू ई टू टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू टाइम्स ऑफ प्रोटॉन उसके ऊपर चार्ज है और एक अल्फ़ा पार्टिकल का जो मैस है दैट इज़ फोर यू फोर टाइम्स द मैस ऑफ एटॉमिक मैस यूनिट या फ़ोर टाइम्स द मैस ऑफ प्रोटॉन्स यानी टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स जो हैं उसका चार्ज होते हैं उसके बाद जो वो रेडिएशन्स uh, जो डिफ़्लेक्ट हुई पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेफिनेटली वो रेडियशंस नेगेटिव चार्ज हैं और एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये रेडिएशन नहीं है बल्कि ये भी पार्टिकल्स हैं और बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट सो दीज़ आर इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस और इनका चार्ज जो है ये नेगेटिव ई e है ये एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल है मैस भी इसका इलेक्ट्रॉन के इक्वल है तो इन रेडिएशंस को हमने नाम दिया कि ये बीटा पार्टिकल्स हैं इन रेडिएशंस को हम लोग बीटा रेज़ भी कह सकते हैं इस वजह से कि ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट आपके लिखा है वन टाइम्स टेन रेज टू द पार एट मीटर्स पर सेकेंड और किसी जगह 2.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू द पार एट मीटर्स पर सेकेंड भी लिखा है तो ये जो बहुत हाई स्पीड है तो बहुत हाई स्पीड पे आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो इट बिहेव्स एज ए वेव सही है ना तो हमने ये पढ़ा था तो हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल बिहेव एज अ वेव तो फिर हम बीटा जो है ये जो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैंड हुई इन रेडिएशन्स को हम लोग बीटा पार्टिकल्स भी कह देते हैं और इन रेडिएशन्स को हम लोग बीटा रेज़ भी कह लेते हैं रेज कहने की वजह उनका वेव बिहेवियर है चूँकि हाई स्पीड होते हैं इसलिए इनको बीटा रेज़ भी कह लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल जो है जो इनको हम अल्फ़ा रेज़ नहीं कहते क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये हैवी होते हैं और इनकी स्पीड कम होती है बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती इसलिए इनकी जो वेव प्रॉपर्टीज़ हैं वो डोमिनेट नहीं होती इसलिए हम अल्फ़ा को पार्टिकल्स ही कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा को हम लोग बीटा पार्टिकल्स भी कह लेते हैं और बीटा रेज भी कह लेते हैं ठीक है दोनों कह लेते हैं तो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज हैं दैट आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई और तीसरा जो है जो तीसरी किस्म की जो रेडिएशन हैं प्योरली रेडिएशन्स उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्योंकि वो अनडिफ्लेक्टेड रहीं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में से गुजरते हुए कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो की सो दैट मीन्स द थर्ड वन आर द रेडिएशन्स अनडिफ्लेक्टेड ये मतलब रेडिएशन हैं तो दैट मीन्स दे आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स दैट आर प्योरली रेडिएशन्स और इनको जो हम लोग कहते हैं गैमा रेडिएशन्स राइट तो इनको हम लोग जो है ये गैमा रेडिएशंस कहेंगे गैमा रेडिएशंस कह लेते हैं समटाइम्स इनको जो हम लोग गैमा रेज कह लेते हैं और ये जो गैमा रेज हैं इनकी जो स्पीड है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ठीक है तो गैमा रेडिएशन जो हैं इस वजह से भी पार्टिकल नहीं है बिकॉज दे दैट मूव दैट रेडिएशन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है बच्चों तो किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइस से तीन किस्म की रेडिएशंस इमिट होती हैं जिसमें दो जो हैं वो पार्टिकल्स हैं अल्फा और बीटा और तीसरी जो है वो प्योर रेडिएशन्स द प्योर वेव्स हैं तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लिया जो है वो इन तीनों रेडिएशंस को इमिट कर सकता है और इस इन रेडिएशंस के मुतल जो ये जो अल्फ़ा बीटा गामा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं और इनको नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में और देखिए जो इसमें देखें कोई भी रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब अल्फा पार्टिकल इमेट करता है तो वो एक्चुअली कुछ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स पर मुश्तम एक पार्टिकल इमेट करता है तो फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है जो मैंने आपसे पहले की थी कि ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है जब उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो जो है वो इक्वल नहीं है वन नहीं है तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में से निकालेगा और उसकी जो इंटेंशन है न्यूक्लियस की वो ये कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के निकलने की वजह से जो बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचेंगे उनकी रेशो वन की तरफ चली जाएगी वन के करीब हो जाएगी तो वो जो न्यूक् है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा यह ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ठीक है उसके लिए सब समटाइम्स कोई न्यूक्लियस अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करता है और अल्फा पार्टिकल को इमिट करके वो स्टेबल हो जाता है समटाइम्स कोई न्यूक्लियाई जो है वो बीटा पार्टिकल को इमिट करता है ठीक है तो बीटा पार्टिकल की जो एमिशन है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन फ़िलहाल आप ये याद रखें कि बीटा पार्टिकल इमिट हुआ यानी एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसको हम डिटेल में देखेंगे अगले टॉपिक में जिसमें हम ये कहेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है ये जब जो टूट जाता है तो न्यूट्रॉन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है ठीक है तो इस तरह किसी न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है जब कोई न्यूट्रॉन टूटता है तो अगर किसी न्यूक्लियस को यह ज़रूरत पड़े कि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करे यानी उसका न्यूट्रॉन टूट जाए वो प्रोटॉन बन जाए और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए और उसके बाद वो स्टेबल हो जाए तो वो न्यूक्लियस इस तरह से स्टेबिलिटी अडॉप्ट कर लेता है और अगर किसी न्यूक्लियस में से गैमा रेडिएशन इमिट हो और वो न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहे तो इस तरह भी पॉसिबल है समटाइम्स किसी न्यूक्लियस के पास एनर्जी आ जाती है और वो न्यूक्लियस एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो फिर जब वो एक्साइटेड से डी एक्साइट फॉर्म में वापस जाता है न्यूक्लियस तो वो एनर्जी को इमिट करता है दैट इज़ रे गैमा रेडिएशन ठीक तो इस तरह से भी वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है या अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाता है तो कोई न्यूक्लियस कब अल्फ़ा कब बीटा और कब गैमा रेडिएशन इमिट करेगा ये हमें नहीं पता होगा कोई न्यूक्लियाई अल्फ़ा इमिट करेगा कोई बीटा इमिट करेगा कोई गैमा इमिट करेगा कब कोई न्यूक्लियस अल्फ़ा इमिट करेगा कब बीटा इमिट करेगा कब गैमा ये हमें नहीं पता और कितनी देर करेगा ये भी हमें नहीं पता राइट दैट इज़ ऑल नेचुरल प्रोसेस तो बार बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही इसको ये याद रखें नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसकी मज़ीद फर जो है ना डिटेल उसको डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन उसमें भी इसी से मिलते जुलते यही कुछ बातें जो हैं वो हम रिपीट करेंगे कि अल्फ़ा निकले तो क्या चेंज आएगी बीटा निकले तो क्या चेंज आएगी और गैमा निकले तो क्या चेंज आएगी ठीक है फिलहाल के लिए बच्चो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी के लिए स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं और जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन इमिट करता है तो वो रेडिएशन कितनी किस्म की हो सकती हैं ये आज हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है और बच्चों तो यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को आज कंक्लूड करता हूँ आई होप आप इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड कर गए हैं और स्टिल बच्चों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा ये आप लोग मुझे टेक्स्ट करें कमेंट्स में लिखें तो मैं इसका आंसर करूँगा और एट बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर फ़ाइव में न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़